करणी सेना भारत के जिलाध्यक्ष ऋषि सिंह ने लो वोल्टेज और लगातार विद्युत कटौती को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों पर साधा निशाना। आइए आपको सुनाते हैं करणी सेना भारत के जिलाध्यक्ष ने आर एक्सप्रेस से बातचीत में क्या कहा। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम ऋषि सिंह है, मैं करणी सेना भारत से जिलाध्यक्ष हूँ। बिजली की समस्याओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिजली की बहुत ही लाचार व्यवस्था है पूरे ज़िले में। पूरे ज़िले का किसान जो है बहुत ही परेशान है, क्योंकि धान की रुपाई का कार्य शुरू हो चुका है और इस लाचार व्यवस्था में किसान बहुत ही परेशान है। किसान की आर्थिक व्यवस्था का मूल साधन खेती है, तो मेरा संदेश है एसी को, जिले के एक्सियन को और महाराज के एसडीओ को, पूरे क्षेत्र में जितने भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं वो सतर्क हो जाएं और पूरी सतर्कता के साथ पूरे ज़िले में विद्युत यानी बिजली को देने का कार्य करें। अन्यथा करणी सेना भारत जल्द ही आंदोलन की तैयारी करेगी, किसानों के साथ खड़ी होगी और उनको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। पूरा क्षेत्र परेशान है, पूरे क्षेत्र में धान की रोपाई का कार्य शुरू हो चुका है। मैं फिर से एक बार चेतावनी देना चाहता हूँ एक्सएन को, एसडीओ को, पूरे ज़िले के सभी लोग पूरे ज़िले में विद्युत को सुचारू रूप से देने का कार्य करें, अन्यथा करणी सेना भारत पूरे ज़िले में फैली हुई है, पूरे प्रदेश में फैली हुई है। ज़िले में हमारे ज़िले की जो लाइट की व्यवस्था है पूरी तरह दुरुस्त की जाए, यही मांग है हमारी, यही चेतावनी है, फिर से बताना चाहूँगा, यही चेतावनी है अब विद्युत विभाग कर्मचारियों को कि वो लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से देने का काम करें, लो वोल्टेज की व्यवस्था जैसी भी हो सरकार से मिलकर उसको ख़त्म करवाने का काम करें, ताकि हमारा किसान, एक एक किसान परेशान न हो लाइट की व्यवस्था से। महाराजगंज क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही बिजली की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस? जी सही बात है, महाराजगंज क्षेत्र में बहुत ही परेशान है किसान। हमारे पास कई लोग आए भी कि भैया कैसे क्या करना है, हमने बताया उनको कि एक बार जो है हम एक्सचेंज से बात किए लेते हैं, उसके बाद में अगर ये लोग नहीं संभलेंगे तो हम लोग विशाल धरना देने का काम करेंगे, किसानों के हित की बात करेंगे, किसानों के साथ लड़ने का काम करेंगे और पावर हाउस को घेरने का काम करेंगे अगर ये लोग सही से बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो।